फिरोजाबाद में फर्जी अस्पताल पर ताबड़तोड़ कार्यवाही। एक के बाद एक तीन अस्पताल हुए सीज। बांके बिहारी हॉस्पिटल, माया देवी हॉस्पिटल और गंगा देवी अस्पताल को किया गया सीज। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी कार्यवाही। काफी सालों से चलती आ रही मौतों के सिलसिले से कुंभकर्ण की नींद से उठा स्वास्थ्य विभाग। एसीएमओ साहब और मजिस्ट्रेट साहब के तत्वावधान में लगातार तीन तीन फर्जी अस्पतालों पर ताले लगाकर उनको सीज किया गया। फिरोजाबाद में और भी ऐसे अस्पताल हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कुंभकर्ण की नींद से उठ रही स्वास्थ्य महकमा अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही कब करता है। बांके बिहारी के नाम से संचालित अस्पताल में आज 36 वर्षीय महिला रत्नेश की मौत हो गई। रसौली के लिए ऑक्सीजन के लिए लेके आए थे। किसको लेके आए? अपनी वाइफ को। क्या क्या नाम था वाइफ का? रत्नेश। तो क्या पूरा मामला हुआ, कैसे क्या पूरी तरह? जिनने रसौली का ऑपरेशन कर दिया वो बिल्डिंग बंद नहीं हुई, फिर ये डेड हो गई। महिला को 3 दिन पहले इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल, जहां खून की कमी होने के बावजूद महिला का किया गया ऑपरेशन। परिवार के लोगों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। धीरज जी, क्या मामला हुआ है? ये मामला ये हुआ कि मरीज का ऑपरेशन किया है इन्होंने जी, कोई गलत वो किया ऑपरेशन, इससे मरीज का खतरे में आ गया है। क्या मौतों को इंतजार किया जाएगा अस्पतालों को बंद करने में, या फिर अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी? मुझे सूचना मिली सीएम साहब ने कि यहाँ पे डेथ हो गई, तो मैं उनके निर्देशानुसार यहाँ पे आया हूँ। मैंने देखा यहाँ पे एक डेथ हुई है, श्रीमती रत्नेश कुमार, वाइफ ऑफ ग्रीस की, जिनका कि कल ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था रसौली का, आज 11 बजे इनकी डेथ हुई है। बॉडी को हमने जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, हॉस्पिटल को सील कर दिया। पोर्टल पर एप्लीकेशन डालने से अस्पताल चलाइए? नहीं, ऑनलाइन फीड हो जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, इसका पता करते हैं कि अभी इसका रजिस्ट्रेशन शायद हुआ नहीं। सर, ऐसे कितने अस्पताल चल रहे हैं जहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि मौतें होंगी तब उनको सीज किया जाए? नहीं, 12 बजे चेकिंग चल रही है और काफी अस्पताल सील भी गए थे। सर, इसी रोड पे इसी अस्पताल के पास ही में सब तीन तीन अस्पताल चल रहे हैं, इनका निरीक्षण करेंगे। ICMO साहब के यहाँ से सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल में महिला की डेथ हो गई और वो अवैध रूप से संचालित था, उसको सीज किया गया। उसके बाद पास में दो और हॉस्पिटल जो चल रहे थे अवैध रूप से, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो दो गंगा देवी और एक माया देवी, उनको भी सीज किया गया।